इतना फोटो और वीडियो ले रहा है यहाँ का, क्या बताऊँ। तब से बोल रहा हूँ यार इसके बारे में कुछ बताते हैं लेकिन पक ही नहीं रहा है, खाली फोटो और वीडियो में लगा हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन, आज की शाम हम लोग का कुछ इस तरह है, कुछ अच्छा सा है, कुछ मज़ेदार सा है। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देरी से हवा खा रहे हैं, बहुत देरी से यहाँ पे, आधे घंटे से यहाँ पे। और ये अपने घर के पास ही ये ब्रिज, ब्रिटिश ज़माने का ब्रिज है। ये बगल में डॉक भी है, ये आप शिप देख रहे होंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल शिप आती है बाहर बाहर कंट्री से। खैर लोग यहाँ पे हवा खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे एक रोड है, बीच में पुल बना हुआ है, वहाँ पे मटेपुर एरिया है, यहाँ पे इंद्रपुर एरिया है, वहाँ पे समुद्र में ये पानी है, जो भी पानी है यहाँ पे भी, वहाँ पे शिप रहता है। वहाँ पे बहुत सारा जो स्टॉफ होता है, जैसे चावल, दाल, चना, मटर वटर, जो भी है गेहूँ उतरता है वहाँ पे शिप से आता है अलग अलग जगह से। यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे कार्गो शिप उतरता है, बहुत सारा काम होता है शिप का। तो आप भी यहाँ पे आए, और यहाँ का मतलब यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ ना, जब गर्मी लगे या कुछ भी लगे, अच्छा ना लगे, मन अच्छा नहीं लगे, तो आप आइए यहाँ पे, हवा खाइए, मूड चेंज हो जाएगा, माइंड स्विंग हो जाएगा आपका, एक बार खाली आके देखो बस। हम गर्म में आओ, ठंडा में आओ, या बरसात के मौसम में, कोई भी मौसम में आओ, बहुत सही हवा आता है यार, मूड फ्रेश कर देगा। लोग यहाँ काफ़ी बार आते हैं, आज भी काफ़ी दिन के बाद आए, तो आने का मन किया, सोचा आ गए तो ब्लॉग भी बना लिया। घर इस तरफ पड़ता है, तो पहले हम लोग उस तरफ आए, बीच में रोड है, अभी यहाँ पे घर है। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, अगर सामने वो है स्विम ब्रिज, मेरा उंगली का सीधा सीधी वो है विद्यासागर से, तो उसके पीछे है हावड़ा। तो मैं ये शिप के बारे में बात कर रहा था, अंडमान निकोबार लिखा हुआ था ये शिप में, तो इसलिए मैं बताया। और कुछ लोग वहाँ पे भी हवा खा रहे और कुछ शिप वहाँ वो रुकी है। हाँ, कुछ शिप वहाँ पे भी रुकी है, ये पोर्ट है, यहाँ पे लोग आते हैं, देखो खड़े यहाँ पे लोग अच्छे से हवा खा रहे। देखो यार, यहाँ के ब्रिज के बारे में हम उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहे, इसका इतिहास बहुत सारा है, ऐसा नहीं है बहुत सारा है, बड़ा इतिहास है, इतिहास बहुत सारा है। एटलीस्ट सब जानते हैं कि ये ब्रिज उठता है। हाँ, जो धूम थ्री में देखे थे आप, जो क्या नाम है उसका, आमिर खान बाइक लेके उड़ता है, वैसा वाला ये ब्रिज है, खुलता है ये ब्रिज। मतलब कि यहाँ से जब शिप पास होता है अंडर से, तो बड़े शिप होते हैं, जैसे ये बड़ा शिप है, तो अंडर से पास होता है, तो जाहिर सी बात है ये खड़ा होगा, मतलब कि उठेगा, तो वहाँ पे डॉक पे लगे सामान उतरेगा। छोड़ हटा, तो बात ये है ना, लोग को देखना है काम है, देखने का यार, उतना बोल सोचने का नहीं है, तो ये बात है। तो हम बस यहाँ पे घूमने आए थे और कुछ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से हम लोग घर पे पड़े हुए, वीडियो अपलोड करना था, पढ़ाई करना था, मुझे भी अपना कुछ क्लासेस करना था, उसके बाद सोचा क्या करें, कुछ काम है ही नहीं, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कुछ है यार, बताओ यार, कुछ नहीं, इसलिए हवा खाने की आ गया ना, बिल्ला आदमी बिल्ला। ज़िंदगी में कुछ काम है तो आप लोग बोल दो यार, कर ले, आप लोग पास कुछ काम है तो हम कोचिंग पर रख लो। ये हम लोग बताना भूल के, पूरे इंडिया में सिर्फ एक लौता है ये ब्रिज है, जो फिर से खड़ा होता है, जो आप लोग देखे होंगे धूम थ्री में, आमिर खान का शिकागो में जो भागता है, वट एवर, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, वो पीछे ऐसे खड़ा होता है। जिस दिन मैं बस वीडियो बना दूंगा तो मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और पीछे भी एक ब्रिज है, वो स्विम ब्रिज कहते हैं उसे, मैंने बताया था, वो ऐसा वो टर्न होता है, ऐसा जब शिप पास होता है वो टर्न होता है, ये खड़ा हो जाता है हमारे घर के पास ही है। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस, ये सब अंग्रेजों की देन है भाई। तो ये पार्ट बनाया गया हाथ से, मतलब कि खोद खाद के बनाया गया, ये पहले से गॉड गिफ्टेड होता है, समंदर है यहाँ पे पानी लगाओ, नहीं ये बनाया गया था, ये पोर्ट भी बनाया गया था, सारा कुछ। खैर थोड़ा देर और रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा अंधेरा होने दो, उसके बाद जाएंगे रहमत के घर। कल कॉल कर रहा था तो उससे मिलने पाए, बिजी थे हम लोग ब्लॉग बनाने में और बाहर गए थे, तो आज जाएंगे उसके घर, थोड़ा मिलना है भाई से भी, थोड़ा वर्कआउट भी करना है, ये मत भूलना, और वर्कआउट भी करना है। ये भी थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, आज रहमत के घर जाने वाले थे पर जाने पर सनवाज आ गया पिकअप करने, बोले भाई चलो यार वेट कर रहा हूँ बहुत देरी से, तो खड़ा था वो, लगे नहीं जाने देंगे, बोले ठीक है यार चलो चलते है। बंदों को बहुत जोर ये आया है, सुसु आया था, वो साइड में गाड़ी करके गया है, वहाँ पीछे गया भाई रहमत, सॉरी तुझे बोल के आया नहीं भाई, आऊंगा तुझसे मिल। अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं शनवाज का, शनवाज जैसे आएगा वैसे मुंह निकलेंगे। रात का 9:15 हो रहा है, 9:15 हो गया, मतलब 9 बजे नाइट कर्फ्यू स्टार्ट। हम लोग फिर भी घूम रहे प्राइवेट में, कोई पुलिस मत देखना भाई, वरना हम लोग को शनवाज भाई का आ गए। अब कैसा लग रहा भाई? बहुत रिलैक्स फील कर रहा, बहुत रिलैक्स फील कर रहा भाई। जो भी हो सकेगा इस ताल में।
भाई ये जगह में ना भाई दो बार आके रुके यहाँ पे ब्लॉग किए यहाँ पे, और यहाँ का जो व्यू है ना बहुत मजा आता है। ऐसे भी शहनवाज भाई कुछ दिन में तो चले जाओगे आप। कलकत्ता मिस करेंगे भाई, दिल्ली भी कम नहीं है यार, जाके भूल मत जाना वहाँ पे। ये तो भाई है भाई रात के टाइम ये जो क्या सीन सही क्या। अरे यार तुम्हारा काज कितना गंदा अभी जूम करके दिखा सकते क्या, दिखाई देगा नहीं दिखा जाए, पर मेरा बात पे विश्वास कर लो यार की ढाबा भी बंद है। काफी लंबा हम लोग गए गाड़ी से, मतलब की न्यू टाउन तरफ, वहाँ से प्लॉट मार के अभी जाएंगे भवानीपुर, वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे चाय पियेंगे अगर दुकान खुला रहा तो, वरना थोड़ा वेट करेंगे घूमेंगे खड़ों के बात करेंगे। वसीम का तो पता नहीं वहाँ पे जाता तो भूल जाता, बोलते कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा है। वहाँ पे वाइब्स का वाइब का मजा लो यार। अरे भाई, अरे भाई ये भवानीपुर जाता है बोलता है कि हम वहाँ की गली वहाँ की दुकानें घर जाने का मन नहीं करता भाई। किसको मजा आ रहा है कॉलेज के दिन हम लोग घर है भाई, क्या शर्मा से भवानीपुर अपना घर है यार। रात को आता था कभी कभी, बहुत बार ऐसा हुआ है यार, रात को करो ना खाना ना नाश्ता ना बिना कुछ नहीं, खाली गली चिल्लाने वाला मोमेंट। हां भाई यार वो जो लाइफ था यार, वो टेंशन भाई 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 ब्लॉग कर रहे तुम लोग, होगी ये डिस्कशन लोगों के सुनाओगे तब। हाँ तुम लोग आवाज सुन रहे लोग, मास्क नहीं लेके ना सोच समझ कर करना बस। सो मुझे काफी दिन से बलवंत आने का मन कर रहा था, तो अभी बलवंत से चाय वाय पी लिया, 10:30 पी रहा, घर जाना है खाना खाने के लिए, कॉल भी आ रहा तो निकल रहे अभी घर।